कुमार जी उन्हें कंप्लेन कर रहे हैं, हे शिव जी मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त था, मैंने आज तक किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, आपने मेरी समय पर हेल्प नहीं किया, आपने मेरी नाक कटवा दी, गांव वाले क्या सोच रहे होंगे कि मैं शिव जी का बड़ा भक्त नहीं हूं और आपने मेरी रक्षा नहीं की। तो जानते हैं शिव जी ने आंखें खोली और उसे क्या कहा, उसे एक ही लाइन बोली, स्टूपिड हु सेंट यू दैट बोट एंड दैट हेलीकॉप्टर। अरे रमेश कुमार समझ भाई समझ, वो कश्ती और वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। ये हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब आप बताइए क्या मैसेज मिला आपको इस स्टोरी से। बात शिव जी की नहीं हो रही है, बात रमेश कुमार की भी नहीं हो रही है, ये बात आपकी और हमारी हो रही है। कभी कभी गॉड हमारी हेल्प करना चाहते हैं, कर देते हैं, परंतु हम उस हेल्प को समझे भी तो सही। अब आप क्या चाह रहे हैं कि शिव जी अपना त्रिशूल लेकर उसे बचाने आते। शिव जी ने एक जरिया बनाया, शिव जी ने उसके लिए बोट भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा, बट आप अपनी हेल्प करना ही नहीं चाह रहे तो कौन करेगा। तो यही तो है स्टोरी का मैसेज दोस्तों, कि कभी कभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं और हम उसे लेना ही नहीं चाह रहे होते, हम पता नहीं कुछ और ही वेट कर रहे होते हैं। सोचिए रजनीकांत जो सुपरस्टार हैं साउथ के और हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, रजनीकांत एक बस के कंडक्टर हुआ करते थे, बट उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली वो फिल्मों में आए, आज सुपरस्टार हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन आकाशवाणी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वहाँ फेल हो गए थे, आज वो इस देश के सुपरस्टार हैं, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को पहचाना। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं, वो रेलवे में जॉब कर रहे थे बट उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और कैप्टन कूल नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं और भगवान हमेशा आपकी हेल्प करने में लगे हुए हैं, परंतु यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज। आपको हर सिचुएशन को अच्छी तरह देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है और कोई स्टेप लेना है। किसी और पल की वेट मत कीजिए। आपके आसपास लोग आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं और ये हेल्प कौन करवा रहे हैं, ये भगवान करा रहे हैं, ये शिव जी करवा रहे हैं, उनके इस सिग्नल को पहचानिए। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा और लाइफ में चौकन्ने हो जाइए, होशियार हो जाइए। आप शरीफ हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप बहुत पढ़ाकू हैं, और उसके अलावा आपको क्लेवर और स्मार्ट भी होना पड़ेगा। मंडे टू सैटरडे हमारी स्मार्ट क्लासेस में हम आपको इंग्लिश वोकेबलरी और ग्रामर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको सांसारिक चीजों में भी थोड़ा क्लेवर और स्मार्ट बनना होगा। तो अभी तक के लिए इतना, अगली स्टोरी में मिलेंगे अगले संडे एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। चिल्ड्रन गुड बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बुक्स के बिना प्लीज कल से मत आना, आज बारिश है तो कर लेते हैं, कल बुक्स के बिना मत आइए, मजा नहीं आएगा, है ना। यू हैव टू हैव अ बुक,
फाइन ओके सो डेमोज आर ओवर, तीन डेमो ओवर हो चुकी हैं, एक क्लास हमारी हो चुकी है, तो नाउ वी हैव टू बी मोर सीरियस। बारिश की वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं, ऐसा भी है ओके तो हम थोड़े कम आज इतना नहीं करेंगे, आज वाली चीज रिपीट भी करनी होगी हमें, बहुत सारे लोग इवन मैं खुद ही अटका हुआ था पानी में, तो बहुत सारे लोग अटके होंगे आज पक्का है ओके तो एक टॉपिक कर रहे हैं जी वर्ड, जिनके से बुकें निकाली है जी, बाकियों को शीट्स मिल गई है, जी फॉर ग्रीनलैंड, गॉट इट। तो इसमें आज हम एक बार नजर मारेंगे वर्ड्स पर, बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं। पहला वर्ड आपने डेमो में देखा था, आई रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर, आया था ना गार्नर, इकट्ठा करना, और लिंक वर्ड क्या था, गार्डनर, है ना, तो वही हमारे लिंक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे भी बाहर हैं, दे आर कमिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा गार्नर, एक बार क्विक रिविजन लें, मतलब वर्ड्स को एक बार देख लें, थोड़ी वर्ड से अगर आपकी दोस्ती हो जाएगी तो ज्यादा मजा आएगा, तो 1 to 10 एक बार नजर मारें जल्दी जल्दी, इफ समवन इज कमिंग तो इट्स ओके। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। सो द फर्स्ट वर्ड इज गार्नर, गार्नर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। जल्दी आइए जल्दी आइए, बुक मिल गई आपको, अभी नहीं मिली वो शीट लो वहां से। तो गार्नर का मीनिंग है इकट्ठा करना, और लिंक वर्ड है गार्डनर, गार्डनर क्या कर रहा है, फूलों को इकट्ठा कर रहा है, गार्डनर इज गार्निंग फ्लावर्स, गार्डनर इज गार्निंग फ्लावर्स, गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, कल जो आपने वर्ड्स किए थे अगर उसके सेंटेंसेस में कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, इंग्लिश की प्रॉब्लम इंग्लिश के टीचर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, है ना, इफ यू हैव एनी डाउट कर सकते हैं क्लियर। और अभी गार्नर का सेंटेंस देखिए कि आपको समझ आ रहा है, गार्नर के लिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके वर्ड के नीचे, इज इट क्लियर, फाइन, क्या लिखा हुआ है, टीएन तमिलनाडु विंस, कोई क्लब की बात हो रही होगी, कोई स्टेट मैचेस की बात हो रही होगी, तमिलनाडु विंस बट फेल्स टू गार्नर बोनस पॉइंट्स, परंतु बोनस पॉइंट इकट्ठा नहीं कर पाई। आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, उसमें आता है ना कि आज इंडिया को यह मैच जीतना है और इतने ओवर में जीत गए तो एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा, है ना, कह रहे हैं वो जीत तो गए बट इकट्ठा नहीं, कलेक्ट नहीं कर पाए, ओके। ये देखिए गैरुलस, बातूनी, कुछ लोग बड़े गैरुलस होते हैं, हमने एक डेमो में वर्ड किया था लोकेशियस, फिर रिमेंबर लोकी वाला लोकेशियस है, और अगर आपने डेमो नहीं की थी तो इट्स ओके, वो तो ट्रेलर था, बीच में आएंगे वो वर्ड दोबारा। तो गैरुलस है बातूनी, टॉकेटिव तो सुना ही हुआ है आप सबने, हाँ, गैर गैर गैर, ये गैर लोगों से बातें करने लगते हैं, जैसे शोले की बसंती थी, किसी को भी पकड़ लेती थी और बातें करना शुरू हो जाती थी, तो लिख दो गैर लोगों से बातें करते हैं गैरुलस, गैर लोगों से बातें करते हैं गैरुलस। बुक में हर वर्ड के बाद थोड़ा सा स्पेस है, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो गैर लोगों से बातें करते हैं गैरुलस। तो गैर को अंडरलाइन करिए, गैरुलस को अंडरलाइन करिए, फाइन। जर्मेन संबंधित, रेलेवेंट, ये क्या होता है जी, सपोज कीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर जो मुझे मिला वो उस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं आप क्लास में लेट क्यों आए हो, तो आप क्या कह रहे हैं, कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो ये क्या बात हुई यार, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम लेट क्यों आए हो, और तुम्हारा वो जो आंसर है ना वो इस क्वेश्चन से कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खा रहा, है ना, मैं मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लेट आने की बात कर रहा हूं, सो योर आंसर इज नॉट जर्मेन टू द रियल प्रॉब्लम, टू द रियल क्वेश्चन, ठीक है, तो यह है जर्मेन, संबंधित या रेलेवेंट, ओके। तो इसमें एक कंट्री आ रही है जर्मनी, जब हमने, और जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी और भाषा है उसे कहते हैं जर्मन, जब हमने जर्मनी से
टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की तो हमें मिले जर्मेन रिमार्क्स, जर्मेन रिमार्क्स ऑन जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मेन रिमार्क्स ऑन जर्मन टेक्नोलॉजी। जर्मेन रिमार्क्स ऑन जर्मन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जर्मेन का मीनिंग है संबंधित। सेंटेंस पढ़ेंगे जरा, फैक्ट्स क्या होता है? तर्क। तर्क अभी भी इंपॉर्टेंट है व्हेन दे आर जर्मेन टू द स्टोरी, अगर वो स्टोरी से संबंधित हैं तो, ठीक है। सपोज करो अभी आप एक स्टोरी देख रहे थे, क्या किस बारे में थी वो? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करना चाहें। मतलब आपको रेडी भी होना है अपनी हेल्प करने के लिए और उसके इशारे को समझना भी है। वो आपके लिए बोट भेज रहा था, वो आपके लिए हेलीकॉप्टर भी भेज रहे थे, है ना, बट आपको पहचानना है। अब आप सोच रहे हैं शिवजी खुद ही आ जाए तो इम्पॉसिबल है, आप भ्रम में जी रहे हैं, है ना। वो आपके लिए तरीका, वो आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको एक ऐसी जगह बिठा भी देंगे जो चीज आपके लिए जरूरी है, इशारा आपको पहचानना है। ऐसा ना हो मरने के बाद हम उनसे पूछें तुमने मेरे लिए क्या किया, वो बोलेंगे स्टूपिड इतना कुछ तो किया तो ये दिखाई नहीं दे रहा था, अब तू ही ना जाए तो मैं क्या करूं, है ना। तो ये क्या है? इशारा है। अब मैं कह रहा हूं ये जो स्टोरी थी इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्यमेव जयते, तो आप क्या बोलोगे? नो, नॉट रेलेवेंट। समझ रहे हैं ना, इससे शिक्षा नहीं मिलती, इस स्टोरी से तो कुछ और शिक्षा मिल रही थी, तो ये रेलेवेंट नहीं है, ये जर्मेन नहीं है। ये देखिए जी, जिब्रिश, जिब्रिश बकवास। जीभ दिखाई दे रही है? जीभ, जीभ, जी आई बी जीभ। ये लंबी जीभ वाले जिब्रिश करते हैं, लंबी जीभ वाले जिब्रिश करते हैं। लंबी जीभ वाले जिब्रिश बकवास, ओके। गर्थ गोलाई परिधि। वैसे इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, बुक है आपके पास? अभी एडमिशन नहीं लिया? अच्छा कल लेकर आना, हाँ इफ यू आर कमिंग, अभी शीट से काम चलाएंगे। गर्थ का मीनिंग है गोलाई। वैसे इस गोलाई का यूज ज्यादातर होता है पेड़ के लिए, पेड़ के नीचे की जो गोलाई होती है ना सरकमफ्रेंस, उसे कहते हैं गर्थ। फिलहाल हम कैसे याद कर रहे हैं? देखिए गर्थ ऑफ अर्थ, गर्थ ऑफ अर्थ, अर्थ की गोलाई, गर्थ ऑफ अर्थ। गर्थ ऑफ अर्थ, फाइन। सेंटेंस पढ़ेंगे, When you see a tree, do you wonder at its height and its girth? जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो क्या आप इसकी हाइट को और इसकी गर्थ को देखकर सरप्राइज होते हैं क्या? ओके, We did five words. ये देखिए सामने, क्या आपको याद है ये five words? सामने देखिए शीट में, बुक में नहीं देखना। What is garner? इकट्ठा करना, है ना। The meaning of garrulous, बातोनी, गैर लोगों से बातें करते हैं, garrulous। गर्थ गोलाई परिधि। The meaning of germane, संबंधित, and gibberish, बकवास, लंबी जीभ वाले gibberish। पांचों वर्ड को नजर मार लो, सामने देखकर, देखते ही याद आने चाहिए, क्योंकि जब हम इनके टेस्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ओके, फाइन फाइन फाइन। ये देखिए gloat, क्या मीनिंग है इसका? खुश होना, परंतु किसी की असफलता पर, किसी की असफलता पे खुश होना। मतलब आपका फ्रेंड आता है रोता हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? अरे यार मैं फेल हो गया। आपको यस, अब तू मेरा रूम छोड़ के नहीं जाएगा, अब तू एक साल और मेरे साथ रहेगा मेरा रूममेट बन के। ये तो गलत बात है यार, वो फेल हो गया और आप खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये ग्लॉट है, है ना। ये नेगेटिव हंसना है, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव नहीं है। हैप्पी, इलेटेड, एक्सटेसिव, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है। ग्लॉट कैसे याद करना है? लॉट पॉट, लॉट पॉट पढ़कर मैं ग्लॉट हो जाता हूं। ये और बात है कि यह नेगेटिव वर्ड है, याद रखना है आपको। लोट पोट पढ़ के मैं ग्लोट हो जाता हूं। लोट पोट ग्लोट, लोट पोट ग्लोट, ओके। ग्रिलिंग थकाऊ,
बड़ा थकाऊ काम है ये, क्या जी हटा दो तो क्या पढ़ोगे? रूलिंग, रूलिंग द कंट्री इज वेरी ग्रूलिंग, कंट्री पे रूल करना इज वेरी ग्रूलिंग। एक दिन में चार चार क्लासेस करते हो, कभी कभी तो पांच पांच क्लासेस भी आप लोग करते हो, है ना? तो शाम को क्या होता है? ग्रूलिंग टास्क, सब होचपोच हो रहा होता है कभी कभी, तो एक है ग्रूलिंग, थकाऊ। सेंटेंस समझ आ रहा है? कटिंग डायमंड्स कैन बी ग्रूलिंग वर्क, कटिंग डायमंड्स कैन बी ग्रूलिंग वर्क। डायमंड काटना थकाऊ काम हो सकता है, फाइन? ओके। ग्लट, एक्सेस, अधिक, जरूरत से ज्यादा, ग्लट, GLUT, ग्लट। तो एक्सेस, एम्पल किया था आपने डेमो में एक वर्ड, मैं देखिए बार बार बोल रहा हूं डेमो में किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने डेमो नहीं की तो वर्ड नहीं आएगा, वो आएगा हमारे सामने दोबारा। ओके, तो ग्लट का मीनिंग है एक्सेस, जैसे आई हैव, आप बोलेंगे आई हैव ग्लट ऑफ नॉलेज, आई हैव ग्लट ऑफ वोकैबुलरी, बहुत ज्यादा एक्सेस। तो ग्लट, ग्लट, ग्लट ऑफ नट्स, ग्लट ऑफ नट्स, बहुत सारे नट्स, ग्लट ऑफ नट्स। ग्लट ऑफ नट्स, अच्छा ये भी नट्स होते हैं, देखिए ये भी नट्स होते हैं, आपको पता है ना ड्राई फ्रूट को नट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ग्लट ऑफ नट्स, इतने सारे नट्स, या ये लोहे वाले जो होते हैं ग्लट ऑफ नट्स। ओके फाइन। और देखिए ग्लट से एक और वर्ड बन रहा है ग्लटन, ग्लट से बना है, ग्लटन का मीनिंग क्या है? पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लटन। सो ग्लटन, ग्लटन, ग्लटन खाता है वनटन मटन, ग्लटन खाता है वनटन मटन। बाद में उठाना, पेन गिरा है क्या? बाद में उठाना। ग्लटन खाता है वन टन मटन, जो बहुत ज्यादा पेटू होता है उसे इंग्लिश में ग्लटन कहते हैं। ये वर्ड ग्लट से ही बना है, क्योंकि ग्लट क्या है? एक्सेस, एक्सेस में खाता है ये, तो लिख दो ग्लटन खाता है वन टन मटन। ओके चले आगे, अगर आपको स्पीड तेज लगे तो रोक देना, बड़े आराम से करेंगे हम। गुरमेन, ये देखिए अगले दो वर्ड पढ़िए, गुरमेन एंड गुरमेट, खाने पीने का शौकीन, जिसे खाने पीने की बहुत नॉलेज हो या शौकीन हो, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं, ठीक है? तो हमारा है गुरमेन, एंड हमारा लिंक वर्ड है गवर्नमेंट। Everyone is gourmet in our government. हमारी गवर्नमेंट में हर कोई खाने पीने का शौकीन है, कोई कोयला खाता है, कोई चारा खाता है, हर कोई शौकीन है, बड़े बड़े शौकीन है हमारी गवर्नमेंट में। तो everyone is gourmet in our government. Everyone is gourmet in our government. खाने पीने का शौकीन, और इसी का ही सिनोनिम क्या है? गुरमेट। उसे भी, उसका मीनिंग वैसे होता है खाने पीने की नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि वो पेटू है, परंतु उसे नॉलेज बहुत है कि किस सब्जी में कौन सा मसाला डाले तो उसका फ्लेवर कैसा हो जाएगा, उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा। ये देखिए गुरमेट, गुड़, गुड़ के शौकीन गुरमेट, गुड़ के शौकीन गुरमेट। आपको पता है गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आवाज आई थी? सही थी वो, क्या क्या? जेक भी कहते, इसके तीन वर्ड हैं इसके लिए, मोलेसिस भी कहते हैं, ट्रैकल भी कहते हैं, है ना? तो ये देखिए अभी करते हैं हम रिवाइज सभी वर्ड्स को जो अभी तक पढ़े, पहले पांच छह और फिर सारे। ग्लोट का मीनिंग है बहुत ज्यादा खुश होना, गुरमेंट खाने पीने का शौकीन, ग्लट एक्सेस, एंड ग्लट से बना ग्लटन पेटू। द मीनिंग ऑफ गुरमेट, खाने पीने का शौकीन, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ओके एंड दिस इज ग्रूलिंग, थकाऊ, रूलिंग द कंट्री इज वेरी ग्रूलिंग। हमने किए 11 वर्ड्स, पहले 11 को करेंगे रिवाइज, जो लोग लेट आए हैं उनका भी रिवीजन, उनके लिए फायदा हो जाएगा, बाकियों का रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए आज का पहला वर्ड था हमारा गार्नर, गार्नर का मीनिंग है इकट्ठा करना, गार्नर इज गार्निंग फ्लावर्स, ऐसे किया। गैरुलस,
बातूनी, गैर, ये गैर लोगों से बातें करने लगते हैं, गैरुलस, कोई भी आता है उसे पकड़ के शुरू हो जाते हैं, तो गैरुलस है। बातूनी, जर्मेन, संबंधित, आ गया था ना संबंधित किस सेंस में, एंड जिब्रेश, बकवास, एंड गर्थ, गोलाई, ठीक है, देन वी रिवाइज्ड, ओके, फाइव वर्ड्स, एंड ग्लॉट, बहुत ज्यादा खुश होना परंतु नेगेटिव है, किसी की असफलता पे खुश होना, तरक्की पे नहीं, ग्रूलिंग, थकाऊ, रूलिंग द कंट्रीज, ग्रूलिंग, ग्लट, एक्सेस, ग्लटोन, पेटू, गुरमेन, खाने पीने का शौकीन, गुरमेट, एंड 11 वर्ड्स, फाइन, ये देखिए, ग्रैंड्योर, आकर्षण। अब ताजमहल से होकर आए या अक्षरधाम मंदिर से होकर आए और मैंने आपसे पूछा आपको वहां क्या चीज अच्छी लगी, तो आप कहते हैं उसका अट्रैक्शन हमें अच्छा लगा, वो चीज अट्रैक्ट करती है सभी को, ताजमहल ब्यूटी एंड अक्षरधाम मंदिर ब्यूटीफुल, है ना, तो क्या है ग्रैंड्योर, कैसे याद करेंगे, दिल्ली में एक फाइव स्टार होटल है, होटल ग्रैंड, तो होटल ग्रैंड इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड्योर, होटल ग्रैंड इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड्योर, होटल ग्रैंड फेमस है इसके ग्रैंड्योर के लिए, इसके आकर्षण के लिए, होटल ग्रैंड इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड्योर, भव्यता के लिए, इंप्रेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, बुक है, होटल ग्रैंड इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड्योर, आकर्षण, फाइन, ग्रैंड को अंडरलाइन करिए, ग्रैंड्योर को अंडरलाइन करिए, एंड ग्रैंडिलोक्वेंट। अब ये देखिए जी, कल हमारी क्या बात हो रही थी क्लास में, अगर हमें किसी की तारीफ करनी होती है तो कहते हैं गुड, बुराई करनी होती है तो कहते हैं बैड, तीसरा वर्ड ही नहीं आता, है ना, आता है तो शायद कभी कभी आता है, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी स्पीकर की अगर तारीफ कर रहे हैं, यार मोदी जी तो बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बढ़िया स्पीकर थे, बहुत बढ़िया वक्ता थे, है ना, या किसी ने स्पीच लिखी है, वो स्पीच बढ़िया थी या बंदा जो बोलने वाला है बढ़िया, तो ग्रैंडिलोक्वेंट का यूज होता है, ठीक है, अन्ना हजारे इज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू इज अ ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीकर, ऐसे बोलते हैं, फाइन। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जंगल में एक बार इलेक्शन हो रहे थे, लिंक बता रहा हूँ, जंगल में इलेक्शन थे और जानवर खड़े हुए थे इलेक्शन में और सभी ने स्पीच दी, बट सबसे बढ़िया स्पीच किसकी थी, ग्रैंड एलिफेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच बाय ग्रैंड एलिफेंट, जो सबसे बूढ़े एलिफेंट थे उसकी स्पीच सबसे बढ़िया थी, तो ग्रैंडिलोक्वेंट। इतने सालों से इंग्लिश से दूर रहने के बाद आज आप आए हैं सीधा, है ना, वोकैब सीखने के लिए, मतलब ऐसा कोई कोर्स हुआ ही नहीं करता था, ये तो हमने बनाया, मतलब ऐसा कोई कोर्स होता ही नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट बोले जी आपको ग्रामर करना है, वोकैब करना, ये तो हमने शुरुआत की कि चलो वोकैब भी एक कोर्स है, फाइन। तो एकदम इस समंदर में जब आप डुबकी मार रहे हैं थोड़ा सा गीला होने में समय लगेगा, समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए हम धीरे धीरे कम कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, स्पीड तो हमारी 120 की रहती है, ओके, बट हम 20 ही कर रहे हैं या 25 ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो इसमें क्या करना है आपको, बस छोटा सा रिवीजन, मतलब आज जो हुआ है एक बार देख कर आ जाओ, है ना, अभी समझ लो कि इट्स अ बोनस पॉइंट की आज की जो हमारी क्लास हो रही है, हम इन वर्ड्स को दोबारा भी करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हैं नहीं अभी, ठीक है, वो बारिश की वजह से नहीं, आई नो दैट, फाइन, मैं खुद ही अटका हुआ था तो इमेजिन कर सकता हूँ, आप भी लेट आ रहे हैं, लेट क्यों आ रहे हैं आप, क्योंकि बारिश थी, है ना, तो इस चीज का हमें पता है, ओके, तो इन चीजों को हम रिवाइज भी करेंगे एक बार फिर, ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं आपको सिर्फ इतना करना है, मैंने कहा था घर से पढ़ के मत आना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, पक्का नहीं पड़ेगी, कल वाले सारे वर्ड आपको याद रहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कल हमने वर्ड किया था अबैश, याद है अबैश क्या होता है, शर्मिंदा होना, है ना, और एब्सकॉन्ड, फरार होना, एब्सकॉन्डर होता है फरार होने वाला, वो सारे याद रहेंगे आपको, बस छोटा सा काम ये करना है, सेंटेंसेस देखने की कोशिश करो, हल्की हल्की, टेंशन लेके नहीं कि सर ने कहा था करना है, अपने मन से थोड़ा सा खुद इंटरेस्ट लेना शुरू करो, 3000 वर्ड सीखना मजाक नहीं है, इस धरती के ऊपर बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिन्हें इतने सारे वर्ड्स आते हैं, बट आपका उनमें नंबर जरूर आ जाएगा, आपका नाम उनमें जरूर आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए जी, ग्रैपल, संघर्ष करना, ग्रैपल, 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 एप्पल, एप्पल, एप्पल के लिए ग्रैपल कर रहे हैं, एप्पल के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
एप्पल के लिए ग्रैपल कर रहे हैं। एप्पल ग्रैपल संघर्ष। ग्रेटीज मुफ्त फ्री, मुफ्त या फ्री ग्रेटीज, ग्रेटीज ग्रेटीज पैटीज, समोसे ऐसी होती है ना पैटीज, कह रहे हैं दो के साथ एक मुफ्त, दो पैटीज के साथ थर्ड पैटीज इज ग्रेटीज मुफ्त। साइलेंट पे करिए, साइलेंट पे। ओके, ग्रेटीज का मीनिंग है मुफ्त। सेंटेंस पढ़िए जरा, मुफ्त कैसे है ये? ही ऑफर्ड हिज सर्विस ग्रेटीज, उसने अपनी सेवा फ्री में ऑफर की कि मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगा, मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा, मैं काउंसलिंग करूंगा या मैं ये करूंगा जैसे एनजीओज में होता है, बट मैं पैसे नहीं लूंगा। ग्रेटीज मुफ्त। ग्रिसली भयानक, अगले दो वर्ड सिनोनिम्स हैं इसलिए वो बॉक्स में बंद है, देख रहे हैं? ग्रिसली और ग्रूसम, भयानक, ठीक है? ग्रिसली 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 ब्रूसली, तो ग्रिसली ब्रूसली भयानक है, ब्रूसली इसके नजदीक मत जाना। ग्रिसली ब्रूसली भयानक, हॉरिबल टेरिबल तो सुना होगा आपने, परंतु वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा तो ग्रिसली और ग्रूसम आएगा, सिनिस्टर आएगा, बेलफुल आएगा, ये वर्ड्स आएंगे। तो ग्रिसली ब्रूसली, और इसी का एक और सनानिम देखिए, ग्रूसम का भी मीनिंग है भयानक। ये देखिए ग्रूसम में आ रहा है गुरु 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 गुरु, गुरु जी का मर्डर हो गया। कैसा? दिस इज ग्रूसम मर्डर ऑफ गुरु जी, ग्रूसम मर्डर ऑफ गुरु जी, ग्रूसम मर्डर ऑफ गुरु जी। तो आपने दो वर्ड सीखे जिसका मीनिंग है भयानक, ग्रिसली ग्रूसम, ब्रूसली से ग्रिसली, गुरु से ग्रूसम, ठीक है? तो गुरु जी का भयानक मर्डर किया उसने, दिस इज ग्रूसम। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिविजन, पहले रिविजन फिर नेक्स्ट वर्ड। ये देखिए जी, सामने देखिए और बताइए कि ग्रूसम क्या है, आवाज नहीं आ रही, भयानक। एंड ग्रेट इज मुफ्त फ्री, ग्रिसली भयानक, बोथ आर सिनोनिम्स। द मीनिंग ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट, बढ़िया, क्या बढ़िया, सब्जी नहीं स्पीकर, समझ रहे? आप डांस बहुत बढ़िया करते हो तो ग्रैंडिलोक्वेंट वर्ड यूज नहीं होगा, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं तो ग्रैंडिलोक्वेंट यूज नहीं होगा, आप स्पीच बहुत बढ़िया देते हैं तो ग्रैंडिलोक्वेंट यूज होगा, ठीक है? आपकी स्पीच बहुत बढ़िया है या आप वक्ता बहुत बढ़िया है तो ग्रैंडिलोक्वेंट यूज होगा, जिसमें अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हो, ग्रैंडिलोक्वेंट। और ये हमेशा लोकी वर्ड जब भी आएगा ना, लोकी, लोकेशियस किया था ना, तो लोकी हमेशा बोलने से संबंधित होता है, याद रखना। ओके, ये देखिए, ग्रैंड्योर आकर्षण, होटल ग्रैंड, ठीक है? एंड ग्रैपल मीन्स संघर्ष करना, ठीक है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है ना, वो भी ऐसी बातें करते हैं कि रूट वर्ड से सीखना चाहिए, रूट वर्ड बोलने में बहुत अच्छा लगता है। गारंटी है 30 वर्ड की 31वां वर्ड याद नहीं होता रूट वर्ड से। जैसे अगर प्रीफिक्स ऐसा आ रहा है या सफिक्स ऐसा आ रहा है तो ये होगा, ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, सीखनी शुरू करोगे बहुत अच्छा मजा भी आएगा, पहली क्लास में, दूसरी क्लास तक उसका कोर्स ही खत्म हो जाता है, मतलब दूसरी क्लास में कुछ कराने के लिए वर्ड रहते ही नहीं, समझ रहे हैं ना? या मैक्सिमम दो क्लासेस, बट इस टेक्निक से आप हजारों वर्ड सीख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब भी सीखेंगे और इडियम्स भी सीखेंगे, ठीक है? ये देखिए ग्रोवल, रेंगना, ये भी आया था डेमो में। तो गुलशन ग्रोवर इज ग्रोवलिंग, गुलशन ग्रोवर इज ग्रोवलिंग, गुलशन ग्रोवर इज ग्रोवलिंग, रेंग रहा है। क्रॉल करना, क्रीप करना, रेंगना, गुलशन ग्रोवर इज ग्रोवलिंग। ग्रफ का मीनिंग ही रफ होता है, ग्रफ का मीनिंग ही रफ होता है। ये कैसे यूज होता है जी? कुछ ऐसे लोग होते हैं चलते हैं तो पैरों की आवाज करते हैं, इरिटेशन होती है ना, सुनी होगी आपने ऐसे। एक तो जूतों की क्वालिटी होती है वो नहीं,
अमिताभ बच्चन स्टाइल में टिक 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 आवाज आती है, वो नहीं, एक होता है ऐसी वाली जो आवाज होती है, बड़ी किरिच किरिच सी होती है, अच्छा नहीं लगता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं शादियों में खाना खा रहे होते हैं, हाथों और मुंह पे पूरा रायता लगा होता है ना, ये कभी हाथ नहीं धोते, साफ करते हैं किसी की शर्ट से, है ना, ये बड़े ग्रफ होते हैं, या फिर छींक भी मारते हैं तो पूरी बौछार करते हैं, छींक क्या बोलकर ही बौछार कर देते हैं वो, तो ये होते हैं बड़े ग्रफ रफ, ऐसे होते हैं ये। तो ग्रफ रफ, ग्रफ रफ, इसका मीनिंग भी रफ है, इसका लिंग वर्ड भी रफ है, मतलब इल मैनर्ड होते हैं, चलेंगे तो टकराते हुए, ठीक है ना, सीधा नहीं चल सकते, खड़े भी नहीं, बैठ भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, तो दिस इज ग्रफ। ये देखिए ऐसे भी होते हैं, ये भी ग्रफ है, एंड ये तो है ही गुफा। खुल के हंसना, जोर जोर से हंसना, ठाके मार के हंसना, गुफा। अच्छा, एक पहाड़ियों में होती है गुफा, गुफा के बाहर हमने देखा कुछ लोग गफा कर रहे थे, गुफा के बाहर या गुफा के सामने गफा, गुफा के सामने गफा कर रहे हैं। रामलीला में जैसे रावण हंसता है, खुल के हंसता है, उसे भी कहते हैं गफा। इन्होंने देखिए हाइलाइटर यूज करना शुरू कर दिया है, बात को समझा, इशारा भी समझा और एकदम जागरूक हो गए, बाकी लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड है, इसे अगर आप अभी अभी आपकी सीखने की उम्र है, अभी से पॉजिटिव हो जाएंगे ना, आगे बहुत फायदा होगा, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, शादी होगी, मकान बनाएंगे, सब चीज़ों में आप पॉजिटिव ही रहेंगे फिर, ठीक है। और अगर ग्रफ रहते हैं तो आपको पता है लोग हाथ भी नहीं मिलाएंगे, है ना, दूर से बोल देंगे मेरा फोन आ रहा है ना। तो इसीलिए वेल बिगन इज हाफ डन, बहुत कम लोगों को समझ आती है, बट जिन्हें आती है उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जो मर्जी हो जाए, आंधी तूफान बारिश, सबसे जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, गस्टों का मीनिंग है एंजॉयमेंट। आपको पता होगा एक स्कूटी भी आती है, किसकी, महिंद्रा की, है ना, जो लोग उसे चलाते हैं उसे भी उसका मीनिंग नहीं पता, एटलीस्ट आपको आज पता है गस्टों का मीनिंग है एंजॉयमेंट या मजा। तो दे वेलकम द गेस्ट विद गस्टो, दे वेलकम द गेस्ट विद गस्टो, गेस्ट का वेलकम करते हैं एंजॉयमेंट के साथ। दे वेलकम द गेस्ट विद गस्टो, एंजॉयमेंट, ओके। एंड गस्टी, विंडी, तेज हवा का चलना, तेज हवा का चलना गस्टी, ठीक है। बस्ती, बस्ती में चल रही है तेज हवा, बस्ती में चल रही है गस्टी। एक फ्रेज है आपको आना चाहिए, वो फ्रेज ये है, से रखना कपिल, वो फ्रेज ये है, लिखिए अलग से कहीं पर, लिखिए हवा का झोंका, हवा का झोंका को कहते हैं गस्ट ऑफ विंड। नॉवेल्स में बहुत यूज होता है ये फ्रेज, गस्ट ऑफ विंड। एक बुजुर्ग होते हैं, स्टोरी सुना रहे होते हैं, एक हवा का झोंका आया और सब कुछ उड़ा के ले गया, है ना। तो अ गस्ट ऑफ विंड फ्लू एवरीथिंग इन माई लाइफ, गस्ट ऑफ विंड मीन्स हवा का झोंका। फ्रेजेस सीखने बहुत जरूरी हैं, इडियम्स का अपना रोल रहेगा, वो कैब का अपना रहेगा, सिनोनिम्स का अपना रहेगा, ये सब खजाना है। कोई विटामिन ए है, कोई बी है, कोई सी है, जैसे बॉडी के लिए सब जरूरी होते हैं, वैसे सब आपकी इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गस्ट ऑफ विंड, नेक्स्ट इसे वापस कर देते हैं, फाइन। नेक्स्ट वन इज रिविजन, ये देखीजिए, कम ऑन। ग्रफ क्या है, ग्रफ रफ, ग्रफ क्या है, रफ। व्हाट इज ग्रोवल, रेंगना, गस्टी, विंडी, तेज हवा, एंड गस्टो इज एंजॉयमेंट, मजा, एंड दिस इज गुफा, खुल के हंसना, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए, 22, फाइन। एक बार सबको रिवाइज करते हैं,
सबको एक बार फिर देख लेते हैं। अब आपको आइडिया हो जाएगा लाइफ कितनी इजी है और हमने उसे कितना मुश्किल समझा हुआ है और बनाया हुआ है, बिकॉज वी हैव गॉट द फॉर्मूला। तो ये देखिए, आज का जो पहला वर्ड था वो था गार्नर। गार्नर का मीनिंग है इकट्ठा करना, गैरुलस बातोनी, जर्मेन संबंधित, जिब्रिश बकवास, जीप से जिब्रिश, गर्थ गुलाई, ग्लोट खुश होना परंतु असफलता पर, नेगेटिव वर्ड है, ग्रूलिंग थकाऊ, ग्रूलिंग द कंट्रीज वेरी रूलिंग द कंट्रीज ग्रूलिंग, ग्लट एक्सेस, ग्लट ऑफ नट्स एक्सेस, ग्लटन पेटू, खाता है वंटन मटन, देन गुरमेन खाने पीने का शौकीन, और गुरमेट खाने पीने का शौकीन, एंड वी रिवाइज्ड इट, देन ग्रैंडियर आकर्षण, होटल ग्रैंड इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंडियर, ग्रैंडिलोक्वेंट बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या जो जो इंसान रोज नहाता है, सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करता है, अब उसे ग्रैंडिलोक्वेंट बोलेंगे क्या? कोई लेना देने नहीं है इससे, है ना, नहाए ना नहाए, बट बोलता बहुत बढ़िया है वो, तो वो ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। ग्रैपल संघर्ष करना, ग्रेटेज मुफ्त फ्री, ग्रिसली भयानक, एंड ग्रूसम इज ऑल्सो भयानक, फाइन। ग्रोवल रेंगना, ग्रफ रफ, पिक्चर ऑफ द डे, ठीक है, ओके, एंड गुफा खुल गया आसमान, ये गस्टो एंजॉयमेंट, महिंद्रा गस्टो, है ना, गस्टी इज विंडी, तेज हवा का चलना, फाइन। और अब बढ़ते हैं आगे, गेट फ्लाई कष्टदायक, गेट फ्लाई, पहले इसका सेंटेंस पढ़िए, कुछ लोग ना गेस्ट गेट फ्लाई होते हैं, कुछ लोग फैमिलीज में फ्रेंड सर्कल में गेट फ्लाई होते हैं, इंडियन फैमिलीज में इंडियन जीजा इंडियन फूफा जब किसी शादी में आते हैं तो बड़े गेट फ्लाई का रोल अदा करते हैं, ऐसे होता है ना, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं कहा, होता ना ड्रामा, इंडियन मैरिजेस में होता है, अंग्रेजों में तो होता ही नहीं, वहां तो जीजा साला ये पंगे नहीं होते, यहां बहुत होते हैं, है ना, इज्जत नहीं की, तो गेट फ्लाई का रोल अदा करते हैं, हमें तो वही पूछता ही नहीं, इसलिए हमने तो ज्यादा बात करनी छोड़ दी, ऐसे हरकतें होती हैं उनकी, वो गेट फ्लाई। अच्छा, याद कैसे करेंगे, वैसे फ्लाई का मीनिंग तो मक्खी होता है, पता है आपको, फ्लाई मक्खी होता है, तो गेट को हम पढ़ रहे हैं बैड, बैड फ्लाई इज गेट फ्लाई, ये बड़ी कष्टदायक मक्खी है, गेट फ्लाई, बैड फ्लाई इज गेट फ्लाई। अभी हमने दो बार रिवाइज किया जो भी आज हमने पढ़ा है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फ्रेंकली सच बोलना है, झूठ मत बोलना, अभी थोड़ी देर में सारे वर्ड खत्म भी हो जाएंगे, आपको पता है 2-3 मिनट में सारे खत्म, अगर ये सारे जी के वर्ड आज आप घर में जाके रिवाइज करने बैठ भी जाओ तो कितनी देर लगेगी अंदाजन, 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगेगा, शायद 6 मिनट लग जाएंगे या 7, बट इससे ऊपर तो नहीं लगेगा, अब 5-7 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, दिन में इतना टाइम होता है ना हमारे पास, होता है क्या, निकाल लेंगे इतना थोड़ा बहुत, मुझे पता आप बिजी होते हैं, बट इतना ही निकालना है, इसे आधा मत निकालना, ठीक है, एक बार नजर मारना, ओके 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 डन, ये बस इतना ही करना है रोज, इसे आधा कभी भी नहीं करना, पूरे 2.5 महीने के कोर्स में कभी भी नहीं करना है ऐसा, ठीक है, बट 5 मिनट जरूर कर लेना, इतना सा क्विक रिविजन होगा ये, हाँ, और जब अगले दिन आएंगे, अभी मैंने कल वाले वर्ड नहीं कराए क्योंकि मुझे लगा बच्चे कम है, अभी क्या करना है, तो अगले वर्ड भी जो पिछले होंगे मैं आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा साथ के साथ। तो ये देखिए जेओल, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जेओल, बहुत से डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, ठीक है, शायद ऑक्सफोर्ड में भी नहीं है, जेओल, जेओल का मीनिंग जेल ही होता है, तो ये जेल से याद कर लो, जेओल जेल, जेओल जेल, लिंक वर्ड भी यही है, मीनिंग भी यही है, जेओल जेल, बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए लिंक लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें, फाइन, बट राइट प्रोनाउंसिएशन जेओल है, गेओल नहीं है, क्या है, जा से जेओल, ठीक है, फाइन, गेल तूफान, डेमो वाला वर्ड है, और क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज प्लेयर, वो जब खेलते हैं तो
तूफान जैसे। तो लिखिए गेल प्लेज लाइक गेल, गेल प्लेज लाइक गेल, गेल गेल। ओके, जेंटील मीनिंग देखिए क्या लिखा है, जेंटलमैन इज जेंटील। आपको जेंटील बनना है, जेंटलमैन इज जेंटील, विवेकी, कूल। जेंटलमैन इज जेंटील। गैल, तंग करना, परेशान करना, गैल। और हिंदी में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, गाल, गाल, ये चीक्स, गाल। तो कह रहे गाल पे थप्पड़ मार के गैल कर दिया, गाल पे थप्पड़ मारकर गैल कर दिया। मुझे परेशान मत करो यार, डोंट गैल मी। किसी को कहना है कि मुझे परेशान मत करो, बोदर मी तो आता ही है, डोंट बोदर मी, डोंट गैल मी, डोंट बैजर मी, डोंट पेस्टर मी, डोंट अनॉय मी, डोंट गैल मी। मोदीज डिसीजन गैल्स महबूबा, क्या मीनिंग हुआ इसका, मोदी के इस डिसीजन ने महबूबा को परेशान कर दिया, तंग कर दिया, गैल। ओके, ये देखिए ऐसे भी होते हैं, गाल पे थप्पड़ मार मार के गैल कर दिया। बढ़िया अलार्म है ये, आप नहीं लगवा सकते, आपको टेंशन हो जाएगी, आपका अलार्म उखड़ जाएगा अगले दिन, है ना। दिस इज, ये अंग्रेजों के अलार्म है, हमारे यहाँ ऐसे हो नहीं सकते, ये तो घड़ी भी बालकनी से नीचे जाएगी। कम ऑन, सामने देखिए और बताइए, फाइव वर्ड्स ओनली। यस, गेट फ्लाई क्या है, बेड फ्लाई से क्या याद किया, कष्टदायक है। गैल, परेशान करना, गेल, तूफान, द मीनिंग ऑफ जेंटील, विवेकी, एंड जेओल, जेलिए। ओके, देख लेंगे सभी वर्ड्स को, सामने देख के अगर याद आ रहे हैं तो हमारा ये मशीन बिल्कुल सही चल रही है। ओके, एंड जाइब, खिल्ली उड़ाना, जाइब, जीप से जाइब कर रहे हैं, ये भी डेमो में आ चुका है, तो जीप से जाइब कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं, जीप से जाइब कर रहे हैं। जीप से जाइब कर रहे हैं, खिल्ली उड़ाना। ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना, किसी के बारे में बढ़िया बढ़िया बोलना। तो ये जो ग्रेट ग्रेट लोग होते हैं ना, ग्रेट महान लोग, ग्रेट लोग सबको ग्रेटिफाई करते हैं, ग्रेट लोग ग्रेटिफाई करते हैं, ग्रेट लोग सबको ग्रेटिफाई करते हैं, ग्रेटिफाई। ग्रेट ग्रेटिफाई, ग्रेट ग्रेटिफाई। ग्रम्पी, क्या मीनिंग है ग्रम्पी का, झगड़ालू, ग्रम्पी, गरम, गरम, गर्मा ग्रम्पी, गरम चाय पीकर ग्रम्पी हो गया, इसका मीनिंग चिड़चिड़ा भी है और झगड़ालू भी है, ठीक है। गरम पी, ग्रम्पी, गरम चाय पिएगा तो ग्रम्पी हो जाएगा, गरम पी, ग्रम्पी। हाँ, बेलिकोज, ट्रुकुलेंट, क्रैंकी, 16-18 वर्ड कराऊंगा मैं आपको, राउडी, 18 वर्ड का मीनिंग होगा झगड़ालू। ओके, और ये देखिए जी, लास्ट रिविजन ऑफ द डे, जाइब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिफाई एंड ग्रम्पी, झगड़ालू, गरम चाय पी के ग्रम्पी हो गया, ठीक है, ओवर, फाइन। और मैं सोच रहा हूं कि मैं आपसे कोई पांच वर्ड पूछ लेता हूं, 30 में से पूछ सकते हैं ना, ठीक है। तो बताइए, बुक्स बंद करिए अपनी, एंड आंसर दिस क्वेश्चन, बताइए द मीनिंग ऑफ अ वेरी सिंपल वर्ड इज
GALE गेल क्या होता है? तूफान। GLUT ग्लट, एक्सेस। और ग्लट से बना है ग्लटोन, क्या होता है? पे टू। चलो ये दो ही वर्ड हुए, तीन नहीं हुए। हाँ, GIRTH गर्थ क्या है? गुलाई, गुड वन। एंड GIBE जाइब, थोड़ा मुश्किल पूछता हूं, व्हाट इज ग्रैंडिलोक्वेंट? गुड स्पीकर, वक्ता है ना। और गुफा, खुल के हंसना, ज्यादा पूछ लिया मैंने। एक और बताइए, ग्रिसली, ग्रिसली ब्रुसली, भयानक। और उसी का सिनोनिम क्या था? ग्रूसम, ग्रिसली ग्रूसम। ये वर्ड आज आपने पहली बार देखे हैं फिर भी याद हो गए हैं, है ना, हमेशा याद रहेंगे। एक लास्ट वर्ड बता दो यार, दो और बता दो, लास्ट नहीं, दो और पूछ रहे, पांच का था, ज्यादा पूछ लिया है ना। तो ग्रम्पी क्या होता है? झगड़ालू, ग्रम्पी, ग्रम्पी, है ना। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, ग्रफ, ग्रफ, ठीक है ना, फाइन। आते हैं आज के सिनोनिम्स पे, आइए जी। आज के सिनोनिम, बच्चे कम हैं इसलिए छोटे वाले करते हैं। वैसे मैं तो बड़े के मूड में था जिसमें 14-16 वर्ड्स हों, बट आज क्योंकि बच्चे ही कम हैं तो हम थोड़ा छोटा करते हैं, कल बड़ा कर देंगे। सिनोनिम्स में आज हम कर रहे हैं चेंजेबल। चेंजेबल को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? चेंजेबल को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, सोचिए। चलो देखते हैं एक पिक्चर, ठीक है। हमें एक भी वर्ड नहीं आता चेंजेबल के लिए, दूसरा वर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। और 6-7 ऐसे ही मजाक मजाक में सीख लेंगे, देखिए कैसे। चेंजेबल के लिए लिखना नहीं, सिर्फ देखना है पहले, हाँ लिखेंगे बाद में, आपको पूरा टाइम देंगे। बट पता है क्या होता है, टीचर की सारी बातें मान लेंगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं लिखना, फिर भी कुछ लोग होते हैं नहीं, सबसे पहले तो मैं ही बाहर जाऊंगा, है ना। वो इस मौके का फायदा उठा के ना जल्दी जल्दी यूँ लिख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें इशारों में निकल जाती हैं, जो यूँ करते हैं ना, निकल गई कुछ चीज़। उससे बचने के लिए मैं कह रहा हूँ, टेक योर टाइम, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, फाइन। अभी कई बार मेरे उस बच्चे आते हैं, कहते हैं सर कोर्स कब शुरू हो रहा है? तो परसों शुरू हो रहा है। 2 दिन और बेकार हो गए, अभी रुकना पड़ेगा। तो तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 19 साल। 19 साल कहाँ थे? 19 साल बेकार नहीं हुआ, अब 1 दिन बेकार लग रहा है ना। तो बेकार वगैरह कुछ नहीं है, हर चीज का टाइम है, अभी मिला है तो उसे पूरा कैश कीजिए। और ये देखिए चेंजेबल के लिए पहला वर्ड, ये टाइल्स दिखाई दे रही है आपको, टाइल्स, टाइल्स है ना, टाइल्स, दीवारों में टाइल्स लगी होती है। इसके सामने एक टेबल भी है, दे रहा है, टाइल्स के सामने है टेबल। पिक्चर को हम रट्टा नहीं मारते हैं, वो तो स्टोर हो जाती है, यहाँ पर सेव हो जाती है। और इस टेबल पे क्या पड़ा है? अचार। अचार को इंग्लिश में पिकल कहते हैं, पता है ना, अचार को इंग्लिश में पिकल कहते हैं, ओके। तो टाइल्स है, टेबल है, इस पे पड़ा है पिकल, एक कैप भी पड़ी है, कैप, तो टोपी, कैप, और ऊपर मरकरी का बल्ब जल रहा है। देखो मरकरी लाइट है ना, ये वाली है ना, मरकरी का बल्ब जल रहा है ऊपर, मरकरी। और यहां पर विम डिटर्जेंट पाउडर भी पड़ा है और लक्स भी पड़ा है, दैट्स ऑल। देख लो जी क्या क्या देखा आपने, ये देखा आपने टाइल्स, फिर टेबल, जो जो आप बोलोगे मैं लाता रहूंगा, बोलिए, फिर पिकल, फिर कैप, फिर मर्करीबल, फिर विम, और फिर दैट्स ऑल। याद होगी पिक्चर, याद थोड़ी ना करते हो तो दिखती है ना। तो ये देखिए इनसे क्या क्या बना, लिखना नहीं अभी। टाइल से बना वोलेटाइल, ये मार्केट के लिए बहुत यूज होता है, शेयर मार्केट है ना, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, वोलेटाइल है। अभी पैसा इन्वेस्ट मत करना, जब ऊपर जा रही हो ना या तो तब करो, या जब डाउन हो रही हो तब करो, ऐसे ऐसे हो रही हो कभी मत करो, डूबोगे, है ना। शेयर मार्केट की मेरी नॉलेज है, मैं वो बता रहा हूं। तो टाइल्स वोलेटाइल है। टेबल से म्यूटेबल, टेबल से म्यूटेबल, पिकल से फिकल, भाई साहब सामने देखो निकल जाएगा, फोन तो सारी उम्र आपके साथ रहेगा, ये निकल जाएगा, है ना। कैप से कैप्रिशियस, विम से विम्सिकल, मर्क्यूरी से मर्क्यूरियल, एंड एक लक्स था उससे बना फ्लक्स, वो मैं बता देता हूं। पहले 6 लिखिए, कम ऑन,
फ्रीज होता है, फ्रीज नहीं होता, नहीं हो रहा है, खराब है। सात लिखने हैं, पहले तो छह लिखिए, फिर मैं सातवां ही बताता हूं, एक यहां कम था। मजेदार बात यह है जो आप देख रहे हैं डेमो से और कल से, कि इन्हें हम रट्टा नहीं मार रहे हैं और ये याद भी हो चुके हैं लिखते लिखते, इनके लिए तो शायद रिवीजन लेने की जरूरत नहीं है। पांच छह वर्ड तो मजाक मजाक में कर लेंगे कभी भी। दूसरा तरीका भी है जो आपको आता है, मार्केट से बुक खरीदिए, एक तारीख को रूटीन बनाइए, भगवान का नाम लिखिए डायरी के ऊपर और रोज के 10-10 वर्ड लिख के टाइम वेस्ट कीजिए, होते ही नहीं याद, है ना। तो ये हो गए सिक्स, सभी ने लिखे। सातवां क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, सेवन नंबर इज फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स, लक्स से याद किया, फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स। उस दिन मैंने, ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इन्हें कहा कुल्लू मनाली चले, छुट्टियां आ रही हैं, तो क्या बोले, चलते हैं। सुबह कह दिया चलते हैं, शाम को कहता है नहीं यार छोड़ना, इतनी दूर क्या करेंगे। फिर अगले दिन कहता है चल मेरा भी नाम लिख लियो यार ग्रुप में, मैं चलूंगा। दोपहर हुई फिर फोन आ गया, छोड़ो ना यार क्यों पैसा वेस्ट करें इतना। फिर शाम को फिर कहता है चल यार मैं भी फ्री हूं, मैं चल रहा हूं। मैंने, यार तू बड़ा बेकार बंदा है, बड़ा परिवर्तनशील दिमाग है तेरा, बड़ा फिकल माइंडेड पर्सन है तू, फिकल माइंडेड, बड़ा कैप्रिशियस माइंडेड है तू, बड़ा विम्सिकल है यार तू, बड़ा फ्लक्स है, समझ रहे, सारे वर्ड यूज कर सकते हैं उस पर्सन के लिए, बड़ा फिकल माइंडेड है, बड़ा कैप्रिशियस है। सो दिस इज हो गया फाइन, बंद कर दो बुक, बुक का काम खत्म, शीट को फोल्ड कर दो और सामने देखिए। अब पिक्चर आएगी, देख के तो फायदा होगा नहीं, है ना, बंद ही कर दो। पिक्चर आएगी, आपको वर्ड याद है तो वर्ड आप बोल देंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, और नहीं वाली बात तो हो ही नहीं सकती ना, ठीक है ना, रेडी फाइन, एकदम अलर्ट हो जाओ। तो ये कौन सा वर्ड है, स्पेलिंग बोलो, VOLATILE, भाई साहब बंद करो, बंद कर दो, सब कुछ छोड़ दो, सामने देखो, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, मेरा फायदा तो हो गया, आपको करना है ना अपना फायदा। तो ये क्या है, वोलेटाइल, ये स्पेलिंग MUTAB, स्पेलिंग FICKLE, कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल, बैग बाद में पैक करना, कहीं नहीं जा रहा बैग उड़ के, एंड विम्सिकल, और लास्ट है फ्लक्स, लक्स से बना फ्लक्स। और ये हो गए हमारे कितने सारे वर्ड्स, कितने, सेवन वर्ड्स परिवर्तनशील के लिए, जो आप अंदर आए थे एक ही आता था चेंजेबल, जो तो बच्चे को भी आता है, फाइन। तो इसी तरह से हम कल आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को, न्यू वर्ड करेंगे, ओके, न्यू सिनोनिम्स करेंगे और फ्रेजल वर्ब की भी शुरुआत कल से हो जाएगी, ओके। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे विद योर बुक्स ओनली, जी बोलिए, चेंजेबल मतलब चेंजेबल की स्पेलिंग, अरे अरे भाई, चेंज एबल, चेंज एबल, ओके, थैंक यू।